मैं एक ऐसी शख्सियत को निवेदन करने जा रहा हूँ जिनसे जब पहली बार मिला तो लगा कि कहीं ना कहीं आदर्श पितृत्व के गुण उनके अंतर्गत है, जो सब बच्चों को अपने पुत्र की तरह मानते हैं। आपने बहुत से लोगों की ज़िंदगी संवारी, तो मानव हितार्थ एक बड़ा कार्य किया, इसलिए आप आज भी स्वस्थ, दीर्घायु और सदैव उन्नतिशील बने रहेंगे, हम सब की ये दुआ है। श्रीमान, ये वो स्थान है जहाँ पर जब जब भी जो जो भी आए वो हमेशा एक कदम आगे बढ़ते गए। तो आइए, मेरा निवेदन आपसे उद्बोधन के लिए और चार शब्द में आपके खड़े रहते हुए निवेदन करूंगा कि किंचिता भी ज्ञान का गुमान उस समझौता किया नहीं स्वाभिमान से, श्रमिकों के सम बिंदु शीश धाम लेखनी में, दर्द पीना सीखते हैं गांव के किसान से। ऐसे किसानों के मसीहा हम सबके आदरणीय चौधरी राम नारायण जी डूडी साहब। एक जोरदार दे बोलो, जिस धरती माता बेटा भारत माता की। आज संध्या, भजन संध्या के अवसर पर समान योग्य परम सदेई संत श्री प्रकाश दास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में हमारे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सतीश जी पूनिया साहब, हमारे टांग के एमएलए अजीत जी मेहता साहब, हमारे जिला प्रमुख सत्यनारायण जी चौधरी साहब और यहाँ के एसडीएम और पूर्व में रहे हुए बहुत ही दमक के तहसीलदार में रहे हुए हैं प्रभाती लाल जी जाट साहब, और जो इस मंच पर बिराजड़ा जितना भी कलाकार है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकाश जी माली, जिन्होंने पूरे देश ही नहीं अपनी आवाज से पूरे विश्व के अंदर अपनी छाप छोड़ी है, ऐसे कलाकार आज आपके बीच में हैं। और साथ ही साथ तेजाजी महाराज को गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचाने वाले कलाकार भी इस मंच पर विराजमान है, और अन्य कई कलाकार भी हैं, कवि हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं। मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजनों, हमारे श्रद्धालु बंधुओं, माताओं, बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है, मैं किवाड़ा साहब आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने एक दिन बात की कि मेरे गांव के अंदर जिस प्रकार से तेजाजी महाराज ने उस वक्त के अंदर गोदरी की गायों को छुड़ाई थी, ऐसे ही मेरे गांव के अंदर रला बाबा हुए थे जिन्होंने मीणाओं की गायों को छुड़ाई। अब देखिए, समय समय पर इस देश की धरती पर कई संत सुरमा हुए हैं जिन्होंने अपने कर्मों से इस धरती पर धर्म की रक्षा की है। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से गायों की दुर्दशा, प्रकाश जी माली भी जगह जगह गायों के लिए अपने भजन संध्या करते हैं, और जब ये भजन संध्या के अंदर आते हैं तो हजारों की संख्या के अंदर गांव के गांव उमड़ जाते हैं। मैं इनकी संध्या के अंदर सूरत में भी गया, देखा, और हमारे एरिया के अंदर तो ये इनका विशेष स्नेह है। मैं समझता हूँ जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए असीमा पर हमारे नौजवान खड़े हैं, खेत में हमारे किसान खड़े हैं, बेसारा गायें आज कटने को जा रही, अभी भी अजीत जी मेहता ने कहा है, और यदि संत महात्मा नहीं होते, मैं तो इन संत महात्माओं को इनके चरणों में नमन करता हूं कि यदि ये नहीं होते तो सारी की सारी गायें कटनी में जाती और उनके पाप के भागी किसान होते। मगर इन्होंने इस देश के अंदर, खास करके राजस्थान के अंदर, हमारी संत महात्माओं की प्रेरणा से
कई भोमाशाह सेठ लोगों ने बहुत सारी गौशालाएं खोली है। एक अंक संत महात्मा ने, मैं यदि रूपचंद जी महाराज साहब की जिक्र करूं पर प्रकाश दी, तो एक कहले उस संत ने 163 गौशालाओं का निर्माण करवाया। क्योंकि ढूडी साहब ने जहां भी गए वहां जितना बोला उससे अधिक किया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि आपने एक तो बिन मांगे 5 लाख रुपए गौशालों का आपने प्रदान किया है, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। और यहाँ के लिए भी मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं का कोटा लेस होके आ जाएगा और हमारे यहाँ पर काम दे देगा, इसलिए पूरे 20 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर भी सामुदायिक भवन बहुत बढ़िया बनेगा। एक बार जोरदार ताली से पूरा सदन ढूडी साहब के लिए अभिनंदन में।